हेलो, पिछले वीडियो में आज हम लेके आए इलेक्ट्रिक करंट। और इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, दो वीडियो बनाई है। एक वीडियो में मैंने बताया था चार्ज क्या होता है, चार्ज के बाद दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्ज देखा था चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, एक डिफरेंस का होना जरूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन में चार्ज मूव, डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो इसमें अगर हम देखें एक वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैंने बताया था वन वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन को किसमें मेजर करते हैं, जूल्स में। तो व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ वन कूलम ऑफ चार्ज, जब एक जूल काम एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए किया जाता है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला जाएगा या वोल्टेज क्या बोली जाएगी, वन वोल्ट। ठीक है, तो चार्ज को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों पॉइंट्स पे दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। जैसे सपोज यहाँ 15 वोल्ट है तो इधर कितना होना चाहिए, 5 हो या जितना भी, तो दोनों एंड्स पर क्या है डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपका चार्ज क्या करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करेगा। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं वोल्टेज भी बोलते हैं, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अच्छा, किसी भी सर्किट में अगर सपोज हमने कोई सर्किट बनाया है, सपोज यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया और ये हमने ये रहा आपका सर्किट, तो सर्किट में दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो एंड्स होते हैं, इन दोनों एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं। किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एंड्स पर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैटरी या फिर सेल यूज करते हैं। तो जो बैटरी लगाते हैं तो बैटरी हमारी क्या करती है, दोनों एंड्स पर वोल्टेज को मेंटेन करने का काम करती है। पूछा भी जाता है who maintains the potential difference between two ends in a circuit, then you have to write battery or a cell. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज आ गया, अब चार्ज जैसे ही फ्लो करना शुरू करता है, चार्ज का मूवमेंट, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही मूव करते हैं तो उसी को मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर। अ फ्लो ऑफ चार्ज, अब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज किस रेट में फ्लो कर रहा है, जब किसी के नीचे डिवाइड में टाइम आ जाता है उसमें क्या लगाते हैं, रेट लगा देते हैं। तो चार्ज किस रेट पे फ्लो कर रहा है उसी को हमने क्या बोल दिया, करंट बोल दिया। सो फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, क्यू मतलब चार्ज और टी क्या है टाइम हो गया। सो यहाँ से आपको डेफिनेशन क्या मिलती है, करंट की डेफिनेशन क्या है, करंट इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिस थ्रू अ पॉइंट इन अ गिवन सेकेंड, इन अ वन सेकेंड। Amount of charge passes through a given conductor from a point in 1 second. ठीक है, amount of charge passes through a given conductor from a point in a 1 second. एक सेकेंड में जितना चार्ज पास होगा उतना ही क्या बोला जाएगा, वो करंट बोला जाएगा, 1 एम्पीयर। अब यहीं से डेफिनेशन सिंपल बात हो गई, क्या क्यू अपॉन में टी आई से डिनोट करते हैं। अब करंट की भी हम बात करते हैं, एक एम्पीयर करंट को मेजर किसमें किया जाता है, करंट की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट को मेजर करने के लिए जो मैं एसआई यूनिट बनाई हूं दैट इज एम्पीयर, और एम्पीयर किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब बात आती है कि एक एम्पीयर कितना करंट होता है, बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम में, व्हाट इज 1 एम्पीयर। सो 1 एम्पीयर मैंने बताया था, जब भी किसी का 1 डिफाइन करना हो तो क्या करो, जो उसका फॉर्मूला है उसमें हर जगह क्या कर दो, 1 कर दो। सो करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्यू अपॉन में टी। सो यहाँ पर भी हमने क्या किया, चार्ज को भी कर दिया 1, चार्ज किसमें मेजर होता है कूलम्ब में, और टाइम भी कितना ले लिया, 1 सेकेंड। सो क्या हुआ, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passes in 1 second, then the current is known as 1 ampere. So when 1 coulomb of charge passes in 1 second is known as 1 ampere current. Is it clear? So what is 1 ampere current? 1 ampere current is the amount of charge passes in 1 second, that is known as 1 ampere. अब बात करते हैं current को measure कौन से instrument से करते हैं? Instrument कौन से use किया जाता है current को measure करने के लिए? That is ammeter. क्या use करते हैं? Ammeter.
एमीटर से क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं। और एमीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि पिछली बार हमने डिस्कस किया था वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से। और वोल्टमीटर किस में लगाया जाता है, पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है। सेम वे एमीटर करंट को किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। और एमीटर सर्किट में कैसे लगाया जाएगा, सीरीज में। एमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को किसमें कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। करंट की एसआई यूनिट ऑफ करंट दैट इज एम्पीयर। दूसरी चीज करंट किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एक और चीज यहाँ पे, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए। अब एमीटर है, किसको मेजर कर रहा है, करंट को। करंट को अगर मेजर करना है तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लो होना चाहिए। सो एमीटर शुड हैव अ, इट शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो कुछ पॉइंट्स याद रखने वो कौन से है, एक तो एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसका रेजिस्टेंस हमेशा लो होना चाहिए, और इसको करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। 1 एम्पियर कितना होता है, व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज पासेस इन वन सेकंड, दैट इज नोन एज 1 एम्पियर करंट। आई थिंक इट इज क्लियर। अच्छा, एक डायनामो देखिए किस तरीके से कनेक्ट करता है। अब जैसे कि हमारे सबके डायग्राम में ये हमने रेजिस्टेंस लगाया, अगर एमीटर को लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। यहाँ एमीटर लगा दिया, कैसे लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। और ये देखिए हमारी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए बैटरी, और ये हमारा क्या है, स्विच। अगर हमें तो एमीटर हमने लगा दिया सीरीज कनेक्शन में, और अगर हमें वोल्ट मीटर लगाना होता है तो हम कैसे लगाते हैं, इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स पर वोल्ट मीटर हमारा ऐसे कनेक्ट होता है। सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज एंड एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट। दैट्स ऑल, थैंक यू।